तो दोस्तों अभी ये जो पेड़ है इसको नीचे लगाना है और इसको बाहर फेंकना है। लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जब अगर मैं भी हुआ है। व्हाइट भी लगा दिया, पिंक भी लगा दिया इसमें, ठीक है नहीं? हाँ। ये सबसे अच्छा है। तो ये देखिए व्हाइट वाला अपराजिता उस दिन लेके आए थे, ये भी लगा दिया है। और वो जो नील कलर ओटा उठाते हैं, हां ठीक है। और ये वाला पेड़ देखिए अच्छे से ओ बच गया है, क्या हां अच्छा लग रहा है ना? हां येलो येलो पत्ता गोल्डन पेड़ कर दिया है मैंने। और ये जो कूड़ा है इसको मैं ठुस ठुस करके ठुस ठुस करूंगा। तो अदिति अभी मैंगो पल्प निकल रहा है और उसमें भी तो है हाँ, ये चम्मच ले क्या ना चाकू हो जाएगा हाथ जम जाएगा पूरा बर्फ। ओ तो मैं पूरे रखे दी तो इससे शाम को अब मैं बोल रही हूँ अभी वाना मुझे खाना है थोड़ा थोड़ा करके, मुझे तकलीफ होता है कुछ नहीं खाने का मिलता है तो की ना ये कुछ है हमारे। तो दोस्तों आम का पल्प बनाना हो गया है, अदिति अभी केक बनाएगा मैंगो। तो ड्राई फ्रूट्स ले लिया है और मैंगो पल्प और इसके अंदर ही ये सब कुछ देके मिक्स करेंगे। हाँ तो हम लोग ये दूध यूज करेंगे, ये दूध थोड़ा सा ठीक होता है इसलिए। और मैंगो के अंदर मैदा थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है सूजी और शक्कर, ठीक है शक्कर भिगो दिया था, अभी इसके अंदर दे दूंगी ये जो मैंगो से मैदा का बैटर इसके अंदर चला जाएगा। ये वाला जो थिकनेस है ये क्या है मैदा अच्छे से करना पड़ेगा। तो देखिए एकदम थिकनेस एकदम ठीक है, ठीक है इसके अंदर अभी जाएगा बेकिंग पाउडर। हाँ सब कुछ चलिए फिर इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा तेल देंगे। तो आप चाहे तो आपके हिसाब से बटर भी दे सकते हैं। तो हम लोग तेल देंगे, हाँ वाइट ऑयल दे दिया है और अभी इसको अच्छे से फेंटना है। हाँ। तो वाला काम अदिति करेगा। तो अदिति ने अच्छे से इसको मिक्स कर डाला, अभी थोड़ा सा कर डाली और अभी बेकिंग पाउडर तारा तारा फोकस नीचे ना बेकिंग पाउडर ओ बेकिंग पाउडर लास्ट डालते हो अभी एक्वर देवर आगे खावा सोडा और वैनिला वैनिला दो ना ये ना बोलता नहीं कि एटा बेकिंग पाउडर एकदम केक बैठाने से थोड़ी देर पहले हम लोग बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे।
বাবা এই খুলতে গিয়ে তুমি সে কি করেছিলা? আমি খুলে দিই, জম গিয়া কেসে ডিপ ফ্রিজ পে রাখ কে কাণ্ড হয়ে গেল। কই বাকি ज्यादा तो नहीं लगेगा, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं काफी है, हम लोग डीप फ्रीज में रख के हाँ। ये थोड़ा सा जम गया, और कोई बात नहीं है, देखो मिक्स कर लेंगे। हाँ इतना सही ठीक है, इसका सुगंध मुझे हाँ एमनियम ने केक अच्छा लगता है। अभी क्या देंगे? ये जो छोटा ज्यादा नहीं, कुरकुरा बन जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है? फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे देते हैं। नहीं 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 इसके बाद हम लोग बेकिंग पाउडर दे देंगे थोड़ा सा। दे यहाँ पर दे छिटा के चढ़ी इस तरफ, थोड़ा थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। एक काम होता तो ठीक है, हो गया ना, और थोड़ा सा मैं जानती हूँ। बस बस हाँ नहीं फूलता अभी। चलिए इसके अंदर दे देते क्योंकि हमारा कटोरी थोड़ा छोटा बन गया है। हाँ, अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रहे हम लोग। देखिए फूलना चालू कर दिया है, ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। देखती हूँ मैं तो यहाँ पर मिक्स हो गया है बैटर अच्छे से। हाँ लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी से अभी इसको देंगे, ज़्यादा भरो मत क्योंकि। हाँ हाँ तो दो कटोरी बनेगा। हाँ तो चलिए ठीक है, अभी ड्राई फ्रूट्स देंगे ना এখন না নাকি হাফ পাওয়ার পর থোড়া সা সফট হয়ে যায়গা ফির হামলো ড্রাই ফ্রুট দেবে তাকি ড্রাই ফ্রুট নিচে না যায়, ঠিক আছে নিচে। চলিয়ে अभी ओवन भी रेडी, हमारा तो ओवन अब जानते ही है। ठीक है ठीक है, ओ बटर वगैरह तो मौसम একটু এটা মনে কর লি না, ঠিক আছে। হুম तो केक ऊपर से ढकना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ये वाला खाना नहीं है जो आप ढक सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको हम हमारे गमले से ढक लग दे। गया नहीं वो ये वाला नहीं लगा तो फिर भी लगा। चलो तो अभी ये होने देंगे हम लोग, तो अभी खेजूर और ये जो ड्राई फ्रूट्स है थोड़ा चॉप करके हाँ, वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा उसके बाद दे देंगे। हाँ चलिए करके आते हैं। तो दूसरा वाला केक बनाना से बनेगा, तो इतना दिस नहीं करना तो थे तो कुछ दी दे। तो पहले हमने बनाना स्मैश कर लिया। हाँ उसको उसका एक लेयर दिया है, ठीक हाँ। है फिर हम लोग मिल्क मेट देंगे। रुको मिल्क मेट और हानी एक साथ थोड़ा सा एक मिल्क मेट का लेयरिंग, ठीक है। फैला भी दे सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, तो अच्छा मीठा लगेगा। ये क्या बोलते हैं, इसकी वजह से ना ये नीचे नहीं जाएगा, तो इधर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम लोग दे सकते हैं। हाँ अभी वो जो चॉकलेट चिप्स इसके अंदर है, चॉकलेट चिप्स तो इसमें भी थोड़ा सा मिल्क मेट मना काक ले। कुछ अच्छा वाला चीज़ मीठा बना के रखने से
लड़का लड़की शाम को खा सकते हैं, यही बात है। खेजुट्टा के चार टुकड़ों को और दे, ठीक है, चार से को तब चिप्स डिश थोड़ा सा हानी फ्लेवर अच्छा लगता है। बनाना का साथ ना हनी फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए हनी दे रही हूँ। तो चलिए इसको मिक्स करके और सजा के आती हूँ। फिर इसके अंदर हम लोग चोको चिप एक लेयर का पूरा ड्राई फ्रूट स्ट्राइक, ठीक है, फिर इसके अंदर ये वाला लेयर देंगे दूध। हाँ হ্যাঁ ঢেলে দে আস্তে আস্তে চারিদিকে দে, এক জায়গায় না ভারী হয়ে যাবে, নাহলে আবার ছিঁড়ে যাবে। মাখি বহুত হি ডিস্টার্ব কর রহা হ্যায় ম্যাঙ্গো কে লিয়ে, ম্যাঙ্গো কি বজে সে মাখি বোল রহে মেরা সিনেমা ভি কর লো। ठीक है, अभी ये वाला दू? हाँ दू ये वाला तो एक ना ये ये एक टा दू तो दे दिए ये टा पोड़े दी भी ये टू होल्ड है ना। अच्छा कलर कलर वो फॉर वो चेक करना पड़ेगा, ढक दे अभी दे दो पकड़। आ रहा है थोड़ा सा जम गया है। एक काम करे इसके ऊपर और एक लेयर देके फिर कलर देके कर दे। हाँ मैं वही बोला था, करो करो बस एक बार। देखिए दोस्तों हमारा यूनिक डिजाइन, ये डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। चक्कू से दिल को छेद कर दिया हमने। दिल पत्ता पता हुआ पत्ता पता मैंने पान पता हो गया। मैंगो तू क्या मैंगो? नहीं नहीं और कुछ मत तो ठीक है। वो हमारा केक हो जाने के बाद ये वाला थोड़ा बैठाएंगे और एकदम लास्ट में ये क्या था लेयर देंगे, अगर नीचे चल जाएगा वो। हाँ थोड़े देर बाद देना है। अरे मैंगो बनाए ना कि जानो मैंगो मूस। हाँ तो मैंगो मूस बनाने के लिए इसके अंदर दे दिया कंडेंस मिल्क, मतलब इसमें। हाँ अभी दूध देंगे ना थोड़ा सा क्रीम वाला मिल्क, ज़्यादा नहीं, ये दे के अभी थोड़ा सा इसको बॉयल, थोड़ा सा इसको बॉयल करना है, फिर इसको इसके अंदर दे के मैंने कि बोले ठंडा करे। हाँ ठंडा करे ब्लेंड करते हैं। हाँ तो चलिए करके आते हैं। हाँ ठीक, थोड़ा सा थिकनेस के लिए कस्टर्ड डाल देंगे, कस्टर्ड पाउडर देना जरूरी है। तो अभी इसको दे के थोड़ा सा बॉयल, और कस्टर्ड पाउडर गरम में नहीं देना चाहिए क्योंकि ये जो की बोले बोलो के बाउल हो सकता है लम्स हो जाता है। हाँ तो इसको दे के फिर अच्छे से मिला के फिर इसको गरम करना है, ठीक है। चलिए इस ऑयल के अंदर जितना सा मेरा जो बैटर बच गया था इसको दे के एक पैनकेक टाइप का बना लूंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपके सामने ओपन कर रही हूँ, तो देखिए अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, ठीक है, ऊपर से क्योंकि नीचे नहीं जाए, नहीं जाए। तो फिर से इसको ढक्कन लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर पैनकेक रेडी, देखिए
कितना सुंदर बन गया है पैनकेक। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा रख के फिर इसको निकाल लेंगे। पैनकेक बना के इसके अंदर दे दिया है, इधर ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर मिला दिया है। ठीक है, उसके अंदर हाँ, अभी इसको इसके ऊपर दे देना है हमें। तो अभी इसको रूम टेम्परेचर होने के बाद इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है फ्रिज के अंदर। फिर इसको ठंड होने पे शाम को हम खा सकते हैं। तो आप लोगों को भी शाम को दिखाऊंगी खाने के टाइम कितना अच्छा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने दोपहर में केक बनाया, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, और थोड़ा सा होगा तो चलिए इसको होने देते हैं। और इधर मटन है, इधर मटन है, कल संडे था तो मटन पकाया था दीदी ने, तो वाला मटन हो चुका है गरम। और जो मटन आप लोग दूसरे दिन बना के खाएंगे ना, वो मटन का टेस्ट अलग होता है, अच्छा लगता है। तो चलिए मटन गरम हो चुका है, तो वो लोग चावल दे रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर सलाद रेडी है, देखिए आलू बूटा पानी दो। और यहाँ पर मैं चावल अभी जो भात है वो दूंगी। और यहाँ पर हम लोग ने आम का चटनी भी ले लिया। ये भी मछली का कड़ी मैंने बनाया था कल, पापदा मच, सरसों वाला पापदा। तो ये खाना है तो खाएगा, नहीं तो फिर से फ्रिज के अंदर जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग खाएंगे दोपहर का खाना, लंच जो आप बोलते हैं या हम बोलेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा। तो चलिए, इसके बाद मम्मी इसके ऊपर मटन देगी। इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर ही तो देंगे और खा देंगे, इसके नीचे नहीं। हम लीची खाती है, तुझे और खाना है क्या? कुछ खाना है नहीं, और कुछ मटन ही खाएंगे। चलो चलो गाइस, इसके ऊपर तो तो मम्मी ने दे दिया है मटन। तो आज दोपहर में सिर्फ मटन के बस मामा, मटन के झोल से ही खाना है। और साथ में है वो मैंने जो बनाया मैंगो आम का चटनी, वाह मुरब्बा। और इधर है मछली, फिर से बाटा मछली। ये लोग नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? मुझे ये बाटा मछली है ना, ना मछली है तो दोस्तों देखिए हमारा केक बन चुका है, तो नहीं लग रहा है चम्मच में, तो चलिए अभी इसको उतार देते हैं। हाँ। इसको बैठा देता है और इसका क्या बोलते हैं, क्या साइड पेपर नहीं दिया है, बटर पेपर नहीं दिया, इसमें तेल दिया। हाँ, इसको ऐसे ही बनाऊंगी। चलिए ढक के फिर थोड़े देर बाद होने के बाद इसके ऊपर केला जाएगा। तो बंधुरा आज के हमारे दोपहर वाला ये खावा दावा हो गया, भल लगे दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर। गुड इवनिंग दोस्तों, तो चले आई हूँ अभी। ये जो कस्टर्ड हमने बनाया नहीं करता, चम्मच दे उठा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। चम्मच दे उठो, खाते हैं। ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल की बोले मांगे ना, मूस कस्टर्ड मूस ना। আমাদের এই কালারের ওটা কি হয়েছে? तो दोस्तों ये वाला जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, तो आप भी ऐसे बना के खाइए। देखिए केक कितना, इसमें क्या बोलते हैं, अंडा नहीं दिया,
फिर भी बहुत अच्छा हुआ है ना। तो चलिए थोड़ा ऑयल हमारा ज़्यादा हो गया सामान से ज़्यादा, ठीक है। आप लोग चाहे तो ऑयल कम देना, ठीक है। चलिए खा के बताती। अच्छा लग रहा है, इसको इसको देके खाना है। बहुत अच्छा लग रहा है ये दोनों मिला के खाने से। ठीक है चलिए।